ये मद्रासा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मद्रासा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मद्रासा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा इस रास्ते से, तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मद्रासा नहीं जाएगा। मद्रासा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रासा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा दो तो तीन तीन घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है जी। और भाई साहब और एक बात है, मैं आपको बताता हूं, कोई जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, आई विल ऑल्सो गिव ए पार्ट ऑफ क्रेडिट टू हिज हिंदू पास्ट। आसाम में 7 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है, मगर ये मुख्यमंत्री को आसाम की जनता की तकलीफ की फिक्र नहीं है, उसको मदरसे की फिक्र है। ये मुख्यमंत्री को जानना चाहिए, जो हिस्ट्री का वीक स्टूडेंट है, कि जब संघी लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और जेल में बैठकर अंग्रेज़ों से माफ़ी की भीख मांग रहे थे, यही मदरसे के ज़िम्मेदारों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया, यही मदरसे से पढ़ने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जानें दे दी, और ये इनका एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो इस तरह से इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए इस तरह की बकवास करते रहते हैं। क्या राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़े थे या शाखा में पढ़े थे? और शाखाओं में और मदरसों में फ़र्क यह है कि मदरसों में इंसानियत का सबक सिखाया जाता, इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता। तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, और इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में साइंस, मैथ्स सब पढ़ाया जाता, और मदरसों के ज़रिए से ही भारत को और ख़ूबसूरत बनाया गया। तो इनको इन सब चीज़ों से मालूमात नहीं है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम नहीं चला रही है? क्या सालाना भारत की पार्लियामेंट में उसका बजट मंजूर नहीं होता है क्या? तो इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी ज़बान पर। लेकिन सर अब राजस्थान में भी सेम कंट्रोवर्सी, वही जवाब है। देखिए, मोदी सरकार में क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम नहीं है? क्या मुख्तार अब्बास नकवी उसके मंत्री नहीं है? आप मुसलमानों से इस्लाम से नफरत करते, इसलिए इस तरह से आप ये अनाप शनाप बकते रहते हैं।